हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मेरा घर आई है कोई, मैं आपको मिलाऊंगी उससे। तो चलिए, तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर और रोटी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए। ये बहुत ईजी तरीके से मैं बनाई हूँ, अगर आपको इसका रेसिपी चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पल्लवी देख, तो मैं इसको काम पे लगा दी हूँ, रोटी बना रही है। और हम लोगों ने खाना बना लिया, तो मैं खाने में ये पनीर का सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। और मैं सलाद काटने के लिए किसको दी हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। अगर किसी को कुछ काम है काटने वाटने का तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं इनका नंबर दे दूँगी। देखो कितने अच्छे से काट रहा है। तो हम लोग भी सीखे थे। हाँ तो मैं भी तो सीख रहा हूँ ना। हम तो इतना लेट से क्यों सीख रहे, जल्दी सीखो। शादी का एक साल हो गया, इतना टाइम लग रहा है सीखने में। समय तो लग रहा है, क्या कर सकते हैं। ये है राजू मेरा देवर, तो ये पल्लवी। आज मैं आप लोग के साथ चटनी शेयर करूंगी, धनिया पत्ता की चटनी। तो मैं इसके लिए धनिया पत्ता थोड़ा सा ले ली, इसको मैं धो के साफ कर ली थी। और दो टमाटर ली हूँ, इसको मैंने आग में पका लिया है। और ये 6-7 लहसुन की कलियाँ हैं और ये 3 हरा मिर्ची है और ये थोड़ा सा इमली है। तब मैं इसको हटा के, जला वाला हटा के इसको मैं अब पीस लूँगी। तो ये बन के रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा सरसों का तेल डाली हूँ और आप चाहो तो नींबू भी दे सकते हैं। तो मैं नहीं दी हूँ क्योंकि मैंने इमली दिया था, ठंडी से खट्टा हो गया है। रेडी हो गया है यह रोटी। आज हम लोग को चावल खाने का मन नहीं किया है ना राजू? यस। और ये धनिया पत्ता का चटनी और ये सलाद और ये है पनीर का सब्जी। और एक चीज़ है, ये छान रहे हैं जनाब पापड़। हेलो गाइस, तो अभी शाम हो गया है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं फुचका खाने के लिए। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, मेरे पास है बहुत सारा बैर। कितना सारा मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। हेलो गाइस, तो मैं आपको बैर दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये है कम से कम 3 किलो होगा। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, मैं ये अमित से मंगवाई थी। अभी हम लोग फुचका खा के आ गए हैं और हम लोग सोचे कि आज चाउमीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो आज बनाएगी पल्लवी चाउमीन। तो कैसे बनाती है, क्या क्या वो वेजिटेबल्स देती है, तो मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में पूरा लास्ट तक। गई हूँ किचन में और किचन देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हम लोग ने कर रखा है, क्योंकि शाम को अनु नहीं आई थी काम करने के लिए। तो ये वेजिटेबल्स हम लोग काट के रखे हैं। वीडियो का चक्कर में ना तुम लोग जो चाउमीन वो खराब कर देना बोल दिए। ओ ठीक है, हम लोग तो खराब कर ही देंगे आज। तो कढ़ाई गर्म होगी और हमने यहाँ पे तेल डाल दिया है। आज पूरा पल्लवी बनाएगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कैसा कैसे बना रही है वो। ये है मेरी डोयल है ना। अरे कुछ, अरे कुछ काम नहीं खाए हैं वो, हम ब्लॉग में झूठ मूठ का हमको बोलना पड़ता है ना। अभी ना लाइक्स और कमेंट्स आएंगे और झूठ मूठ का हम बोले हैं। दोयल को पता चल गया था कि हम लोग फुचका खाने गए थे और उसको नहीं लेके गए थे, तो वो लड़ रही थी हम लोग के साथ। तो
तो फाइनली हम लोग का चाउमीन बन गया है और हम लोग जाके खा लेते हैं। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी देखिएगा। बाय बाय।